वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ 26 सितंबर से चलेगी रेगुलर। लखीसराय में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पटना, लखीसराय, जमुई, झाझा, जसीडीह और आसनसोल होकर हावड़ा जाने वाली वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि लखीसराय से हावड़ा जाने वाली वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जो कि पटना से चलकर हावड़ा तक जाएगी। इस मौके पर लखीसराय के करीबन 3000 से अधिक दर्शकों ने वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत किया है, जबकि ट्रेन आने से पूर्व लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा के द्वारा लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य में एक कार्य यह भी बताते हुए लोगों को जानकारी दी है कि आज की सफरात्रि में अधिकतर दानापुर, झाझा, आसनसोल और हावड़ा डिवीजन के अधिकारी और कर्मी लोगों को मौजूद रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि वंदे मातरम ट्रेन सुबह पटना से 8:12 मोकामा, 8:58 लखीसराय, 9:20 झाझा पास, जसीडी 10:53 जामतारा, 11:44 आसनसोल, 12:15 दुर्गापुर, 1:39 और हावड़ा में 2:35 पर पहुंचेगी। वहीं हावड़ा से 3:50 पर दुर्गापुर, 5:30 आसनसोल, 5:53 और जामतारा, 6:27 जसीडी, 7:11 झाझा पास करेगी। लखीसराय 8:40 और मोकामा 9:05 पर, पटना साहिबगंज 9:55 और पटना 10:40 में आगमन होगी। इस संबंध में दानापुर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जे कुमार ने बताया कि यह बहुत ही अच्छा ट्रेन है। आज वंदे मातरम ट्रेन का ऑर्गेनाइजेशन की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसमें सारी सुविधा यात्रियों को दी जाएगी। पटना से हावड़ा मात्र 6 घंटे में पहुंच जाएगी, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या ये बताता हुआ ये इतना महत्व का दिन है कि ट्रेन का ठहराव लखीसराय स्टेशन है। जो है शुभारंभ किया गया लखीसराय सर परसों से लगातार रहेगी, क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्षण है, ये हमारा वंदे भारत का इनॉग्रल रन है और वंदे भारत की जो सर्विस है उससे सभी को बहुत फायदा मिलेगा। एक अच्छा सर्विस है, अच्छी ट्रेन है, मॉडर्न ट्रेन है, इसमें की सारे सुख सुविधाएँ हैं और राइट इन
इंडेक्स बहुत अच्छा है, इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को थकान भी नहीं होगा और 6.5 घंटे में पटना से हावड़ा पहुंच जाएंगे और जो बीच के उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आपका जो है वंदे भारत का जो है परिचालन होगा, क्या इसके बारे में कहना चाहिएगा? आम जनता को जो भी परेशानी होती है ट्रेन में, उन परेशानियों से बचने के लिए वंदे मातरम का जो भी ये क्या कहते हैं उपहार मिला है लोगों को, इससे लोग बहुत अति प्रसन्न है और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं ये आपका जाता है श्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है कि गरीब आदमी इस पर सफर कर पाएंगे? गरीब आदमी तो खैर सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनकी क्षमता है करने की वो तो करेंगे। प्रदीप कुमार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? झाझा से आ रहे हैं, झाझा से हैं लेकिन हम आ रहे हैं पटना से। चलिए थैंक यू।